हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 37। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। पूरे 3 महीने बीत गए। उपासना अब सार्थक के साथ बहुत ही नॉर्मल हो गई थी। धीरे धीरे उपासना की बातें सुनने के बाद सार्थक को बहुत कुछ समझ आ गया था। लेकिन उपासना अब इस दुनिया में बाहर के लोगों से मिलना या बाहर जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो उपासना के साथ इस वक्त बाहर बालकनी में बैठा हुआ बातें कर रहा था। तुम्हें पता है उपासना, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जैसे ही तुम मेरी लाइफ में आई, मेरी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे दूर चली गई। इनफैक्ट मैंने मेरे सारे लोन भी चुका दिए हैं। मेरी कंपनी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जा रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारा मेरी लाइफ में आना सच में जादू सा हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें इस संडे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलूं। सार्थक उससे बात कर रहा था लेकिन उपासना का ध्यान खुले आसमान में उड़ती हुई एक चिड़िया पर था। क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आज तुम्हें फिर से उस इंसान का चेहरा याद आने लगा क्या? वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लकी इंसान कौन होगा जो तुम्हारे सपने में आता है और तो और हर वक्त तुम उसके बारे में सोचती रहती हो। मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन मुझे इतना लगता है कि जिस दिन मैं उसे देखूंगी, उस दिन मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि उसे अगर एक बार सामने से देख लूं, तो मैं पहचान लूंगी कि वो कौन है और मैं उसे कैसे जानती हूं। सार्थक उसकी बातें सुनकर कहता है, इसलिए तो कह रहा हूं कि बाहर निकलो। देव मित्तल को हमने चकमा दे दिया है। मेरे और सोनू के बनाए गए प्लान से वो बेवकूफ़ बन गया है और उसके आदमी अब तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, तो अब तुम बेफिक्र होकर कहीं भी जा सकती हो। तुम्हें अब यहाँ अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम बाहर निकलो यहाँ से उपासना। उसकी बातें सुनने के बाद उपासना ने कहा, तुम बता सकते हो कि माया कौन है? मुझे ये नाम बहुत अपना अपना सा लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे यही मेरा असली नाम है। उपासना की बातें सुनने के बाद सार्थक ने कहा, मैं विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मेरी एक दोस्त मुझे एक बार बता रही थी कि कुछ लोग होते हैं जो पुनर्जन्म लेते हैं, उन्हें नया शरीर मिलता है और वो अपने पिछले जन्म के अधूरे काम को इस जन्म में पूरा कर सकते हैं। भगवान उन पर दया करते हैं इसलिए। बट मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों में और मुझे माया का नाम नहीं पसंद। प्लीज़ तुम बार बार ये नाम मत लिया करो, तुम्हारा तो कितना अच्छा सा नाम है उपासना। लेकिन उपासना ने कुछ नहीं कहा। सार्थक मन ही मन कह रहा था, माया वो इंसान थी जो मेरे लिए सब कुछ थी, आज भी है, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई हम तीनों को। वो ना जाने क्यों हमसे इतनी दूर चले गए। मॉम डैड तो वैसे ही माया से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अब माया की अफवाहें सुनने के बाद तो वो और भी ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन मेरे दिल में माया के लिए हमेशा इज्जत रहेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम खुद को माया कहो। मेरे लिए सिर्फ एक ही माया मायने रखती है और वो माया सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है। उसके बाद उसने अपूर्वा के बारे में भी सोचा, लेकिन तभी उपासना ने उसे ख्यालों से बाहर निकालते हुए कहा, तुम मुझे माया बुलाया करो ना, मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई ये नाम बुलाता है। उपासना, आर यू मैड? माया नाम तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारा रियल नेम ही बहुत अच्छा है। वैसे कल संडे है तो हम कल डिनर पर चलेंगे। कल मेरी एक दोस्त की पार्टी है, उसने मुझे इन्वाइट किया है, तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा। तुम ना वो रेड वाली ड्रेस पहनना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। उसके बाद वो कुछ और बातें करके वहाँ से चला गया। रात के डिनर के बाद उपासना बालकनी में लगे सोफे पर लेटी हुई थी। उसे ना जाने क्यों हर रात एक ही जैसी चीज़ दिखाई देती थी, एक ही जैसे लोग दिखाई देते थे। कुछ के नाम वो जानती थी तो कुछ के वो पहचानती नहीं थी, और कुछ को पहचानती थी तो वो उनके नाम नहीं जानती थी। उसे ये भी याद आता था कि एक औरत एक आदमी के साथ सो रही है और वो आदमी उसे बेतहाशा होकर प्यार कर रहा है। फिलहाल अगले दिन रात के वक्त उपासना रेड कलर के गाउन को पहनकर तैयार थी। वो एक सिंपल सी ड्रेस थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। सोनू और सार्थक उसे लेने आए थे। वो इन 3 महीनों में पहली बार इस होटल से बाहर जा रही थी। उसे डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन सोनू ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब कोई पहचानता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वहाँ चलकर बाकी लड़कियों के साथ मिलकर ड्रिंक मत करने लगना,
क्योंकि हम तुम्हें नशे में संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद ही बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। ये सुनकर उपासना ने कहा, मैं शराब नहीं पीती। सोनू हंसते हुए बोला, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम शराब नहीं पीती तो 3 साल पहले नशे की हालत में बिल्डिंग पर से क्यों कूद गई थी सुसाइड करने के लिए। उपासना कुछ नहीं बोली। सार्थक ने सोनू को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।